नींबू महंगा हो ही गया है ना? नहीं, हो नहीं गया, नींबू को महंगा कराया गया है। प्यार में रिचार्ज कराने तक तो ठीक था, अब पगली एक किलो नींबू मांग रही है, देख ही रहने दे। बीम बार दे दीजिए, 100 नींबू रहता उसमें। पटना के चाय वाले से अगर फुर्सत मिल गया हो तो मेरी भी दो लाइनें आप लोग सुन लीजिए जरा। आप बीती है और इतनी बीती है, रात भर बीती है, दिन भर बीती है और हमेशा बीती रही है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इस वक्त हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है चाचा, क्या बात है, कैमरे में घुस रहे हैं लेकिन चाचा अभी तक नहीं समझे कि क्या बात है। इधर आइए। सबसे बड़ा तजुर्बा इस जन्म में हमको यही हुआ, अभी तक प्यार में रिचार्ज कराने तक तो ठीक था, अब पगली एक किलो नींबू मांग रही है। हाय तौबा मचाए पूरे घर में। आइए आपको सुनवाते हैं। ए भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज जी, यहाँ लोग चाय बेच बेच के करोड़पति हो गए, आप करोड़ों का सामान रोड पर लेकर खड़े हैं। हम कितने का नींबू लाए हैं? कम से कम 20,000 का। कम से कम 20,000 में क्लियर हो गया जी? अब ऊपर बिक्री के ऊपर है। हाँ। 5,000 बिके, 3,000 बिके। ये खराब हो गया है क्या नींबू? ये कैसे बेचते हैं? 2 रुपये बिकता है। खराब का 2 रुपया, नीमन का? नीमन का 5 रुपया, 6 रुपया एक पीस। और सबसे महंगा वाला? सबसे महंगा वाला तो चीज़ें नहीं है यहाँ। हाँ। चीज़ें नहीं है महंगा वाला। नींबू पर हाय तौबा मचा हुआ है। इससे पहले एक महीने पहले तो महंगा हुआ था। मसालेदार चाय नहीं बन रही है नींबू की। सही बात है। नींबू की महंगाई बढ़ गई है। नींबू महंगाई बढ़ गई है। कितना बढ़ा है पहले? कम से कम ढेर बढ़ गया। 10 रुपये नींबू बिक रहा। अरे तो इतना नींबू लेकर के आप रोड पर हैं, आपको डर और नहीं लगता है? डर क्या चीज का, मेहनत से कमा रहे, मेहनत से पैसा ले रहे हैं। इतना का सिक्योरिटी का सुरक्षा नहीं रखे हैं, कोई लेके चला जाएगा क्या हो जाएगा? 4-5-10 में नींबू ले जाएगा तो किस्मत में रह जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक जानी ले ले बड़ी तू उसे कहा हो जाएगा, वो नींबू ले लेगी थी तू को किए को चुरा ले ले बड़ी उसे कहा उसे घाटा ना पड़े वाला बा, सब यही तेरे लेके चल जाए। अबू नींबू मांग रहे हैं। कोरोना का दूसरा लहर आ रहा है और वैसे में नींबू का चाय बड़ा चुस्की के साथ लोग लेते हैं। नींबू महंगा हो ही गया है ना? नहीं, हो नहीं गया, नींबू को महंगा कराया गया है। नींबू को महंगा कराया गया है? कैसे कैसे? जो नींबू तो पहले जो फसल नींबू की हुआ करती थी वही अभी भी हो रही है। ये तो स्टॉकिस्ट लोग जो है नींबू को जो गर्मी में स्टॉक करके उसके बाद जो धीरे धीरे निकाल रहे हैं, इसलिए नींबू को महंगाई बढ़ा गया। नींबू क्यों महंगा क्यों हो? नींबू महंगा होने का कारण बता दीजिए हमको। भंडारण क्षमता पर आप? हाँ, भंडारण नहीं। हाँ। उसको ब्लैक मार्केटियर कहिए आप उसको। अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ये नींबू को क्या धीरे धीरे निकाला जा रहा है। फसल तो आप बताइए, ऐसा कहीं न्यूज आपने चलाया, ऐसा कभी सुना कि जो नींबू की फसल पर कोई किसी तरह का कोई कीट लग गया हो या किसी तरह का कोई जो है नुकसान हुआ हो? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो नींबू की फसल क्यों, मतलब कि जो है नींबू इतना महंगा क्यों हो जा रहा है? और ये गर्मी में ही हो रहा, ठंडा में तो नींबू महंगा हो नहीं रहा, तो ये सीधी सीधी बात है। गर्मी हो रही है, नींबू की खपत किसानों के घर में, आपके कहने का मतलब है जब किसानों के घर में फल रहता है तो महंगाई नहीं समझ आता है? देखिए, ये किसानों के पास ये पैसा नहीं जा रहा है। हाँ। ये स्टॉकिस्ट के पास जा रहा है ना, ये जो बिचौलिया है बिचौलिया पैसा ले रहे हैं ना। आप देखिए बिचौलियों को देखना और ये करना ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। हाँ। पब्लिक को तो देखिए, पब्लिक तो हम यहाँ नींबू लेने आए हैं, अब हम खेत तो जा नहीं सकते हैं। हम मार्केट से ही लेंगे। अभी मिलेगा भी नहीं, गर्मी का मौसम है। नहीं नहीं, का सीजन कुछ और है। नहीं, नींबू का सीजन वो स्टॉकिस्ट जो नींबू जो है स्टॉक किए हुए हैं उसको एक प्रॉपर जो उसका एक्सपेंस है उसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट जो रेट होना चाहिए नींबू का वो लेना चाहिए। लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन वो नहीं मिल रहा है ना, महंगा मिल रहा है। आप देख लीजिए ना, यही नींबू चीजें लगभग महंगी हो गई हैं, वो स्टॉकिस्टों की वजह से हुई है। हर चीजों का आप स्टॉकिस्ट की वजह से नहीं, बहुत सारा रीजन अलग अलग होता है ना। जहाँ से अब जैसे कि पाम ऑयल जो है कहीं और से आउट ऑफ इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया उस कंट्री ने, अगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो पाम ऑयल हम तो इम्पोर्ट जो है उसका प्रोडक्शन करते नहीं है। जब इंडिया प्रोडक्शन करता नहीं तो उस पर तो एक्सपोर्ट की वजह से जो है असर होगा ही। नहीं, नींबू अलग चीज़ है और अलग चीज़ है। अभी तो किसानों के घर से चला गया तो महंगा हो गया। हाँ नहीं, देखिए भाव दिखाने। हाँ बस देखिए, नींबू किसानों की वजह से महंगा नहीं हुआ है। किसान जितना फसल उत्पादन करते तो वही कर रहे हैं। अगर नींबू में ऐसा कोई प्रोडक्शन में कमी आई है तो उसको जो है डाटा दिखाइए। देखिए का हो का खाए हैं मुँह में? ना कुछ का दबाए हैं? कुछ का कि पान? कुछ नहीं।
अरे नींबू महंगा हो गया, खरीद पा रहे हैं? नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे नहीं, हैं। नहीं पहले इतना था? नहीं जी इतना नहीं था। अचानक कहाँ बढ़ गया है? अभी इसका अचानक हम ना बता सकते हैं क्योंकि सर नींबू का भाव तो बढ़ गया है। नींबू का भाव गर्मी के सीजन में ऐसे भी 365 दिन नींबू सामान्य रहता है, गर्मी के मौसम में नींबू का मांग बढ़ जाता है। दूसरी बात ये जो रोजा का समय है उसमें थोड़ा ज़्यादा मांग बढ़ जाता है। रोजा में क्यों नींबू बढ़ जाता है? वो क्या होता है रोजेदार जो रोजा करते हैं रोजा जब खोलते हैं उसमें नींबू का शरबत सबसे पहले पीते हैं। अच्छा नींबू का शरबत सबसे पहले, तो जब तक रोजा चलेगा तब तक मार्केट हाई रहेगा। हाँ। रोजा खत्म हो जाएगा थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा डाउन होगा जी। लेकिन इसमें किसानों को फायदा दिख रहा है? हाँ किसानों को फायदा हो रहा है। कैसे? अभी तो एक सज्जन थे वो आरोप लगा रहे थे। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होता नहीं है। मार्केट में क्या होता है हायर स्टॉक कर रखा है चीजों को, अब धीरे धीरे रिलीज। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में समान उपलब्धता के आधार पर दाम होता है। अच्छा। अगर माल ज्यादा आ जाता है तो दाम थोड़ा कम होता है, अगर कम है तो कम आता है तो दाम बढ़ जाता है। और अभी रोजा की वजह से पूरा का पूरा माल का जो है वो दाम बढ़ गया है, नींबू महंगा हो गया है ना। हाँ फिर से आ रहा है तो नींबू का कैसे पीजिएगा चाय, अब तो महंगा हो ही गया है, क्या करेगा आदमी, ऐसे ही रहेगा। इसकी वजह से महंगा हुआ है हम ही नहीं जानते हैं, ही नहीं जानती है, बताइए महंगा खरीद रही है जानती है नहीं। ये सब हमको खरीदने से खाली काम है। हाँ। खाली खरीदने से मतलब रहता है, लोगों को इससे क्या लेना देना है? कहाँ भैया कहाँ जा रहे हैं बोलिए? अरे महंगाई तो बढ़िया गया है, थोड़ा सा और किनारा आ जाइए, महंगाई तो बढ़िया गया है ना? बढ़ गया है। नींबू हुआ ज्यादा महंगा हो गया? नींबू तो 350 पार हो गया जी। यूपी में संख्या भी 350 पार है जी जी। कम काहे नहीं कर रहे हैं? ये तो सरकार बताएंगे ना। इसमें दोष किसका है? दोष किसका है? दोष है अब जीडीपी जो है उसका प्रॉब्लम, जीडीपी का प्रॉब्लम। चलिए जीडीपी का दोष है। कहाँ खरीदे हैं जी? कहाँ खरीदेंगे सर? कुछ नहीं, महंगाई है इतना है कि कौची खरीदेंगे, घूम घूम के बाजार से घर चल जाते हैं। कहाँ करें, देख के थोड़ा संतोष होता है ना। हाँ सर महंगाई ज्यादा बढ़ गया है भाई, देख के संतोष करना पड़ रहा है। नींबू तो ज्यादा बढ़ गया तो हम क्या करें, खरीदना तो पड़ना पड़ेगा ही। नींबू मांग रही हैं का? कौन मांग रही है जी? हमरी खराबा नींबू नहीं मांग रही हैं, समझदार हैं ना। महंगा वाला आइटम खाना छोड़ दी हैं, देखिएगा हमारा तो आफत आ गया है। प्यार में रिचार्ज कराने तक तो ठीक था, अब पगली एक किलो नींबू मांग रही हैं, देख ही रहने दें। तो बीम बार दे दीजिए, 100 नींबू रहता है उसमें बर्तन साफ करने के लिए ना भैया। ऐसी बात नहीं है, बर्तन हम खुदे धो लेते हैं, उनको ना ही लोट देते हैं ज़्यादा। आए? कौन न्यूज आएगा? बोले भारत में, बोले भारत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको दिखेगा बोले भारत, बोले भारत ठीक है। अंग्रेजी में मारिएगा टप से आएगा ऊपर, सब्सक्राइब करिएगा, जो भी लिखना होगा वहाँ भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो हम देख लेंगे, देखेंगे तो वो भी बतिया आगे आपको बताते रहेंगे दूसरा वीडियो में। देखा चाची चाची का हाल बा? अरे चाची सुन, अरे नींबू महंगा हो गई बाबू, बतिया में आई बानी नहीं, नींबू महंगा नहीं क्या, दिमाग मत चाटिए, नींबू महंगा नहीं हुआ है? हम जाने थे हमरा नहीं सब। चाची हम तो ये तो पूछा था नहीं कि महंगा हो गया तो बोलो। अब चाची कल आएगा, अभी ये 2 घंटा बाद आ जाएगा, 2 घंटा के बाद आ जाएगा। आइए कुछ और भी महिला हैं, इनसे भी सम अरे रे 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 रे, नींबू बहुत ज्यादा महंगा हो गया है ना जी। का चाची उधर में जाइए, गाड़ी आ रही है, नहीं पूछिए ना उन्हें, किसी और से पूछिए। ए भैया देखिए फिर से एक बार नींबू वाले के पास आ जाते हैं। तो है अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीतिक गलियारों से लेकर के हर बिजनेसमैन आदमी इसी पर स्ट्रेटजी अपना लगा रहा है। आने वाले दिनों में इसको कैसे सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाया जाए, भले ही महंगा पहुंचाया जाए। आरोप तो समझ लीजिए कि जीडीपी के ऊपर भी लग रहा है कि जीडीपी ने नींबू की महंगाई को बढ़ा दिया है। अब ये कैसा जीडीपी है भाई जो नींबू की महंगाई को बढ़ाई दे रहा है, अब ये समझ से हमरे भी परे हैं। देखिए दुगो औरू मालकिन लोग आ रही हैं, घर की मालकिन है, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आंटी जी हम लोग महंगाई पर बात कर रहे हैं, तो महंगाई है ना? है। तो नींबू ज़्यादा महंगा हो गया है? अभी थोड़ा सा बिजी है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम लोग। हॉस्पिटल जा रही हैं? अच्छा ठीक है, जाइए, हम भी दुआ करेंगे कि जो बीमार हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाए। और देखिए सर नींबू सर कैसे हैं? ठीक है, महंगाई में भी ठीक है, तो का गड़बड़ चल रहा है? सब चीज़ अब बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, नींबू तो सबसे ज्यादा। कैसे चाय क्या चुस्की लेते होंगे नींबू? उसी तरह कम कम कर पीते, नींबू सस्ता के दूध नहीं, दूध पीते हैं, दूध पीते हैं, जाने दीजिए दूध
पीजिए, मस्त रहिए, का अब दूसरे के चक्कर में पड़ दे रहना। देखिए एक और चाची लोग आ गई। अरे महंगाई बढ़ा है का? हाँ बहुत बढ़ा। नींबू का, नींबू का भाव सब चीज का तो कैसे कम होगा? कौन बढ़ा दिया है जी? कौन बढ़ा दिया चाची? चाची नहीं हमरी बताएंगे, जाए दो अतने में अब रहे दो भैया, तन मिनी और आगे बढ़ जा। बात ये है कि नींबू की बढ़ती महंगाई जीडीपी के ऊपर आफत बनाई। अब देखिए धीरे 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 सरकार से लेकर के सब इसका साथ छोड़ते जा रहा है, चाहे वो सरकार हो या फिर आपकी लुगाई। अब केहू ना बात मानी, अब आगे जो भी हुई वो आगे आप बतावल जाए। फिलहाल नींबू की बढ़ती महंगाई को लेकर के, नींबू की बढ़ते दामों को लेकर के आपको क्या लगता है कि नींबू के बढ़ रहे ये भाव की वजह कौन है? सरकार है, जीडीपी है, हम हैं, आप हैं या फिर बिचौलिया है? आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उस पर हम तहकीकात करने निकले थे। फिलहाल नींबू की बढ़ती महंगाई को यहीं पर रोक देते हैं, आगे बढ़ेगा घटेगा फिर उसी अनुसार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, पीछे जाम लग गया इसलिए भी खबर को ख़त्म करना पड़ रहा है। नमस्कार।